किसी को भी आरक्षण देने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार उस श्रेणी के छात्रों की संख्या और उसके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। स्पेसिफिक ग्राउंड आपको देना, और ये जो मुख्यमंत्री जी हैं जो परिवारवाद की शासन चला रहे हैं, जो अपने आप को राजा समझते हैं, किस तरह रेवड़ी को 2% ले लो, 4% ले लो, 27% ले लो, कि पिछड़ा समाज को जितनी रोजगार सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली, पूरी डाटा पेश करके तब नवीन सूची में शामिल की गई थी। लेकिन आपको ये भी बता दूं, 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि 50% से आप आरक्षण नहीं बढ़ा सकते, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि नवी अनुसूची का शामिल होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर सकता है। उन्होंने पूरी एक्सरसाइज की, दो दो कमीशन बनाया, पूरी राज्य का पिछड़ा समाज का डाटा बेस तैयार किया, रोजगार से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, ये समाज पिछड़ा है, तभी जाकर 1993 में ये नवी अनुसूची में शामिल हुई थी। तो क्या सरकार ये सारी प्रक्रिया पालन की है? तो आनन फानन में झारखंड की जनता को धोखा दे रहा है, और जो 20,000 करोड़ का घोटाला, अवैध खनन, जो झारखंड के आज हर बच्चे के जुबान में, उससे भटका ध्यान हटाने के लिए इस तरह के अविधि सम्मत इन्होंने ये घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के पास प्रश्न नहीं है, सारे विषय आ गए।